तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय अनदर गेम टाइप वीडियो। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक जायंट फार्म जिसके अंदर पोटैटो, कैरेट और वीट होंगे। तो यार देखते हैं ये फार्म बनाने में कितना टाइम लगता है और कितना मुश्किल हो सकता है बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, फार्म बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ पे बहुत से डर्ट जमा कर दिए जो मैं छत के ऊपर रखा है, तो उससे मैं करने वाला अपना एरिया प्लेन करने वाला। तो चलो चलते हैं जल्दी से जल्दी जहाँ पे मैं बना रहा हूँ फार्म। तो चलो चलते हैं सारा डर लेके। तो गाइस देखो, मैं डर लेकर सारा लेके आ चुका हूँ। तो गाइस मैं अपना फार्म बनाऊंगा ठीक यहाँ पर, और देखो तो चलिए जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे प्लेन कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर, ताकि काम शुरू कर सकते। तो गाइस देखो, मैंने प्लेन कर दिया है और मैंने देखो यहाँ पे 14 ब्लॉक का गैप लिया और मैं 15 पे मैंने ब्लॉक लगा दिया है। और ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा फार्म होने वाला है और टाइम भी बहुत लगने वाला है, मुझे पता है। पर यार मज़ा तो उतना भी आता है यार, और उतने सारा खाना भी हमारा कैट होगा, तो उसलिए मैं बहुत बड़ा फार्म बनाने वाला हूँ। तो ये देखो, मैंने 7 ब्लॉक का मैंने लेंथ लिया है, ताकि देखो आपको पता ही होगा वाटर 7 ब्लॉक के अंदर ट्रैवल करता है। तो हमें 6 ब्लॉक का कपड़ा बनाना होगा जिससे वाटर और आगे जाके बढ़ सके। तो जल्दी से दिया करके आते हैं 2 मिनट के अंदर, और यहाँ पे ये वाला तोड़ के और वापस यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसके आगे भी मुझे बनाना है, और इसको भी ऐसा ज्वाइन करके इसके आगे भी मुझे सेम टू सेम इसी तरह से करना है। तो जल्दी से जल्दी करते हैं। और मेरे पास डर्ट भी तो बहुत डर्ट तो है मेरे पास, पर आगे जाकर और डर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्दी से जल्दी मैं यार ये ज्वाइन करता हूँ और देखते क्या क्या होता है आगे। और इसे देखो, इसे भी मुझे 7 ब्लॉक तक करना है। तो यार जल्दी से जल्दी मैं इसे ज्वाइन करके मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर। तो गाइस अभी देखो यार, अभी ज्वाइन तो नहीं हुआ, पर देखो अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और सबसे मुश्किल काम हमारा ये है कि देखो आगे इतना बड़ा माउंटेन है और इसे भी हमें निकालना होगा। तो यार देखते यार बहुत मुश्किल है। तो यार जल्दी से जल्दी निकाल के आता हूँ ये माउंटेन पूरा साफ करके 2 मिनट के अंदर। तो देखो मैंने पूरा क्लीन कर दिया यार, बहुत ही मुश्किल काम था ये माउंटेन साफ करना। तो चलो अभी तो इतना सारा काम तो हो चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पे डर्ट लगा देता हूँ। और भाई डर्ट और स्टोन इतने सारे कैरेट हो चुके हैं मेरे पास, तो मेरे डबल चेस्ट भी भरने में आ चुका है। तो गाइस देखो इतना बहुत ज़्यादा काम किया है, तो गाइस इतना बहुत मेहनत भी लग रहा है। तो गाइस देखो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो जल्दी जल्दी डर्ट भर के। तो क्या देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसे भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो क्या देखो इतना सारा जो है भी मैं डर्ट लगा दिया है, और ये सारा डर्ट मुझे ये माउंटेन से मिला जा अभी मैंने पूरा माउंटेन देखो पूरा साफ किया था, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत सारा डर्ट भी मिल चुका है, तो इसलिए मैंने ये सब भर दिया। और देखो यार यहाँ पे स्टोन बचा है, तो इसे मैं बाद में कर लूँगा। तो पहले अपना बहुत सारा स्लैब्स बना लेते ताकि मैं वाटर उसके अंदर डाल सकती हूँ और बना के। तो आपको पता ही होगा अगर हमें क्रॉप और कुछ उगाना है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, और पानी ना हो तो यार वो ज़मीन सूख जाती है। तो यार मुझे देखो सारी जगह पे देखो थोड़ा बहुत गैप छोड़ के मुझे बनाना होगा ऐसा। मैं काउंट कर लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो 14 ब्लॉक का गैप है, तो मुझे देखो 3-4 ब्लॉक आगे जाना होगा, और मुझे वहाँ पे एक होल बनाकर उसके अंदर मुझे लगाना है स्लैब, और उसके अंदर मुझे पानी भर देना है, और इसकी वजह से हमारा क्रॉप भी सूख ना जाएगा और बढ़िया तरीके से काम भी करेगा। तो यहाँ पे भी देखो सेम होल कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे लगा था स्लैब्स, और इसी तरीके से यार मुझे सारे जगह पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्लैब डाल लेता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक स्लैब, और अगर आपने 1 ब्लॉक का गैप दिया तो यार पानी इसके अंदर चले जाता है। तो चलो सब जगह पे करके मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। कर देखो यार मेरे को यहाँ पे इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना रहा हूँ, और इससे मैं सारी जगह पे मैं भर दूंगा। और देखो यार ये इतना हार तो नहीं, तो जल्दी से यार करके मिलता 2 मिनट के अंदर सारे में पानी भर कर। तो क्या देखो सारे में पानी भर दिया है, तो देखो अगला काम हमारा ये है, तो हमें जाकर थोड़ा बहुत हो देखो बहुत सारे हो लगेंगे, तो हमें जाकर हो बनाना होगा। तो देखो मैं पहले एक हो बना लेता हूँ, और इसे मैं जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे मिट्टी साफ कर देता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे सीड्स लगा पाऊँ।
तो ये जल्दी से जल्दी करके मिलता 2 मिनट के अंदर, इससे मुझे ध्यान से करना होगा ताकि बार बार मुझे करना ना पड़े। तो यार जल्दी से जल्दी मैं करके मिलता हूँ ये सब 2 मिनट के अंदर, पर 2 मिनट तो नहीं लगेंगे पर बहुत टाइम लगेगा, पर जल्दी से जल्दी करके मिलता हूँ। और पर अभी देखो रात भी होने वाली, तो जल्दी से जल्दी मुझे सोकर भी आना चाहिए। और देखो यार टाइम तो बहुत लगता है, ये बिल सिंपल तो है पर टाइम बहुत लगता है और बड़ा भी है बहुत, तो इसलिए और कोई बात तो नहीं है। और देखो रात भी होने वाली है, तो यार जल्दी से जल्दी करके मिलता है 2 मिनट के अंदर। तो देखो मैं सारा कुछ सब कर लिया है मैंने, देखो पूरा ऊपर तक मैंने पूरा साफ कर दिया है। और यहाँ पे मैं अपना क्रॉप लगा सकता हूँ, मतलब सील लगा सकता हूँ। तो अभी देखो अभी नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमें यहाँ पे एक वाटर का सिस्टम बना होगा जिससे पानी नीचे जा सके। तो यार देखो यार इसके लिए देखो एक ब्लॉक का गैप देखो यहाँ पे छोड़ दिया, जाके यहाँ पर मैं अपना डिस्पेंसर लगा सकता हूँ। पहले मैं काउंट कर लेता हूँ कितना गैप, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या देखो 7 ब्लॉक है, तो मैं 7वें ब्लॉक पे अपना डिस्पेंसर लगाने वाला हूँ। तो यार मैं जल्दी जल्दी ये डिस्पेंसर लेकर आता हूँ। तो क्या देखो मैं डिस्पेंसर लेकर आ चुका हूँ, अभी चलते हैं ऊपर और लगाते हैं हम डिस्पेंसर। और देखो मैं जल्दी से जल्दी लगाते हैं और देखते हैं यार अब ये अपना फार्म काम करता है या फिर नहीं। तो यार मुझे कम से कम 13 या फिर 14 डिस्पेंसर लगेंगे ताकि मैं यहाँ पे पानी, और 13 की 14 में जो वाटर बकेट भी लगेंगे। तो ये देखो यार चीज़ें तो बहुत चाहिए पर यार काम भी बहुत बढ़िया करता है ये फार्म। तो ये देखो यार अभी देखते हैं कितने, ये तो 6 ब्लॉक है और ये 7वें ब्लॉक में मैं लगाने वाला हूँ। ठीक यहाँ पे इसी इसके तरीके से मैं मुझे 13 या फिर 14 लगाना होगा डिस्पेंसर। और देखो यार अभी देखते हैं यार अभी आगे क्या होता है। तो देखो एक डिस्पेंसर की कमी हो चुकी है, तो यार मुझे लगता है मुझे जाकर लेके आना चाहिए और साथ में बकेट भी लेके आता हूँ, तो 2 मिनट के लेके आ जाता हूँ बकेट और डिस्पेंसर। क्योंकि देखो मैं डिस्पेंसर और बकेट लेकर आ चुका हूँ। और मुझे देखो अभी मुझे बनाना होगा यहाँ पे एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स, और मुझे ये ज्वाइन भी करना होगा। और ये देखो 6 ब्लॉक का परफेक्ट है, तो कहते हो जल्दी जल्दी मैं अब एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना लेता हूँ ताकि मैं सारे बकेट में पानी भर सकूँ। देखो ये यहाँ पे एक बकेट डाला, रुको एक बकेट लेकर आता हूँ यहाँ से। तो कहते देखो यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी वाटर सोर्स बना दिया है, अभी सब बकेट में भी पानी भर देता हूँ। देखो मेरे पास देखो 14 बकेट्स आ चुके हैं, और मेरे भाई बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि यार मेरे पास आयरन फार्म तो नहीं है, तो इसलिए यार ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है यार। तो कोई ना अगली वीडियो में आयरन फार्म भी बना दूंगा, तो देखते चलो जल्दी से जल्दी मैं ये काम कर लेता हूँ, सारे बकेट में पानी भर लेता हूँ और डाल देता हूँ डिस्पेंसर के अंदर, और जल्दी से जल्दी कर देता हूँ ताकि रात ना हो जाए। देखो मेरे पास अभी देखो सामान, और मैं यार सीड की बहुत कमी हो जाती है यार, पर लास्ट में स्टार्टिंग में यार सीड की बहुत कमी होती है क्योंकि अपने पास सीड तो होता नहीं है, और इसे भी लेके आना पड़ता है कहाँ से। तो भी जो देखो सारे डिस्पेंसर में मेरे बकेट डाल रहा हूँ मैं, और रात भी होने वाली तो जल्दी से यार डालता हूँ सब जगह पे मैं अपना वाटर बकेट। तो देखो मैं सब में वाटर बकेट डाल देता हूँ, जल्दी जल्दी सोकर आता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो देखो मैं सोकर उठ चुका हूँ, और अभी देखो अभी अगला काम हमारा ये है कि देखो हमें रेस्टोन करना पड़ेगा, और मुझे क्रॉप भी अपना सीड भी लगाना है। थोड़ा आगे चलते हैं, और देखो उधर भी मुझे होल मारना होगा, तो देखो यहाँ पे पानी डाल देता हूँ। और देखो यहाँ पे अपना इन्फिनिटी सोर्स तो है ही, देखो यहाँ पे भी हो कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे क्रॉप उगा सकूँ। देखो अभी अगला काम हमारा यह है, हमें इसके ऊपर रेस्टोन का ये करना है। तो रेस्टोन मेरे पास है, मैं जब माइनिंग को जाता तो मुझे बहुत सारा रेस्टोन मिला था, तो इसलिए मुझे मेरे पास रेस्टोन की कमी तो नहीं है अभी के लिए। तो क्या देखो इस तरीके से मैंने अपना डिस्पेंसर के ऊपर मैं रेस्टोन लगा दिया है, और अभी देखो हमें भी इसके बीच में लगाना है एक बटन, तो एक बटन बना लेता हूँ। तो ठीक बीच में मैं लगा देता हूँ बटन, तो हमें 4-5 ब्लॉक का गैप मैं 8वें ब्लॉक पे मैं लगा दूंगा अपना बटन। तो देखो ये हो चुका है, देखो अभी ये बहुत मस्त तरीके से काम तो कर रहा है, देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो और ये ठीक नीचे तक जा भी रहा है, तो मुझे बस ये चेक करना था कि ये नीचे तक जाता है या फिर नहीं। और ये लास्ट ब्लॉक बचा है, और तो क्या देखो नीचे तक एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है अपना फार्म। तो क्या अभी नेक्स्ट काम है हमारा क्रॉप अपना ये इधर लगाना, मतलब सीड लगाना। तो जल्दी से यार मैं सीड भी लगा देता हूँ,
और अभी फिर से तो बंद हो जाता है, तो जल्दी से मैं सील लेकर आता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने एक कलेक्टिंग चेम मतलब एरिया बनाया जहाँ पे मैं सारे सीड्स कर सकता हूँ। तो क्या देखो ये इतना मुश्किल तो नहीं, यहाँ पे देखो दो हॉपर्स और देखो एक चेस लगाए, और मेरे पास हॉपर की कमी थी तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ये पानी का ये कर लिया था ताकि मेरा हॉपर और आयरन बच सके। तो क्या देखो अभी मुझे लगाना यहाँ पे बहुत सारे सीड, तो यार जल्दी से मैं सीड लगा के मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर, और इसे उगने को भी टाइम लगता है तो यार जल्दी से लिया करके मिलता हूँ। मैं देखो सारा सीड्स और लगा दिया है, तो अभी देखो बस अभी हमें उगने का वेट करना है। तो ये देखो सारा सब कुछ उग चुका है और देखो हमारा देखो पूरा हरा भरा हो चुका है। तो कैसे अभी चलते हैं अभी ऊपर और इसे फार्म अभी हम चला के देखते हैं क्या अभी काम करता है या फिर नहीं सही तरीके से। और देखो यार अभी थोड़ा बहुत एरिया बचे जाके, मेरे पास देखो यार इतना सामान तो नहीं था इसलिए अभी 2-3 एरिया बचा है, तो यार ये तो मैं बाद में ठीक कर लूँगा। पर अभी देखते हैं अभी ये काम करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे जाकर हमें दबाता ना ये बटन, तो बटन दबाता है 3-2-1 और ये अभी हमें बटन दबा दिया। तो क्या देखो पानी तो जा चुका है और देखो देखो अब और मस्त तरीके से देखो यार कितने मस्त तरीके से सारा कैरेट और पोटैटो जा रहा है, और दिखने में देखो कितना मस्त लग रहा है यार ये। और देखो यार सारा क्रॉप और ये सब जा चुका है नीचे, नीचे की तरफ जा चुका है। देखो कितनी मस्त तरीके से जा रहा है और काम भी बहुत मस्त कर रहा है। देखो थोड़े बहुत देखो ऊपर कैरेट और ये सब देखो नीचे रह गए, तो इसे मैं डाल देता हूँ उसके अंदर, तो ये इसके अंदर फेंक देता हूँ मैं। और देखो ये मैं फेंक दिया। देखो गाइस अभी देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान किसी यहाँ पे जमा हो रहा है, अगर मैं ऊपर वाला बंद करूँगा तो वो ठीक बढ़िया तरीके से नीचे भी चला जाएगा ठीक ऊपर के अंदर। तब से मैं बंद करके आता हूँ इसे, और ये देखो यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ, अरे ऊपर चढ़ जा। देखो ये मैंने बटन बंद कर दिया और ये पानी भी बंद हो चुका है। अब चलते हैं उस तरफ और देखते हैं क्या वो हॉपर के अंदर जाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख थोड़े बहुत कैरेट भी देखो यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसे भी मैं ठीक कर दूंगा बाद में। तो देखो अभी यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे कैरेट है, देखो अभी देखो किसे अंदर चला गया वो सब हॉपर के पास। तो देखो अभी ये सही से काम तो कर रहा है, अभी देखते कितना कैरेट हो चुका है अपने पास खाना और पोटैटो। तो देखो अभी देखो अभी बढ़िया तरीके से देखो खाना भी आता होगा। हाँ देखो देखो कल देखो 6-1 स्टैक तो अपने पास वीट आ चुका है, थोड़ा वेट करते हैं कितना अपना खाना जाएगा, तो थोड़ी देर अपने वेट करते हैं और चेक करते कितना खाना मिलता है हमें। तो क्या देखो इतना टाइम हो चुका है अभी देखते। तो कल देखो बहुत सारे स्टैक्स देखो भर के मुझे सीड्स और ये पोटैटो मिल चुके हैं। तो गाइस फार्म तो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई मुश्किल तो नहीं आए। तो गाइस मज़ा आ गया है वीडियो बनाने में। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।